अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और काफ़ी दिनों बाद जो है मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और आप लोग बताइए आप सब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं जनाब? आज हमारा व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। दोपहर का टाइम है, लंच वगैरह हमने सब कर लिया था और हम जा रहे हैं कहाँ, ये अभी हम आपको बताते हैं। हम जा रहे थे जी शॉपिंग पर, और बेसिकली हम अपनी सिस्टर के घर आए थे यहाँ पर। और तो ये हमारी सिस्टर के पास ही घर के करीब जो है ये मॉल है, एट्रियम मॉल। और जो जो कराची में रहता है वो ये रही मैं खुद, हाँ जो जो कराची में रहता है उन्हें पता होगा ये सदर में जो है एट्रियम मॉल है। और ये देखिए हमने कहा ईद आने वाली है, कुछ विंडो शॉपिंग हो जाएगी, कुछ न्यू अराइवल जो हैं वो पता चल जाएंगे, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ जो है एंजॉय कर लीजिए। और शॉप्स पर तो आपको पता है कि कैमरा अलाउड नहीं होता, मैंने इसलिए कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। और यहाँ पर जो है मैं फिर से अपना जो है आउटफिट लेने लगी, बिकॉज़ अपने आप को लेना तो बिल्कुल अलाउड था, बट जो और चीज़ें हैं वो अलाउड नहीं थी। सम टाइम्स हम लोग जो है वो आपको तो पता है जो जो वीडियोस बनाता है कि हम लोग चुप चुप के भी बना लेते हैं, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। जो भी हमने लिया, मेरी सिस्टर को परचेज़ करना था, उन्होंने ले लिया। और फिर अब हम जा रहे हैं, पहले हम अपनी सिस्टर के घर जाएंगे, फिर हम जाएंगे अपने घर की तरफ, और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। जनाब ये आप लोग देख सकते हैं उस वक्त कि मैं क्या रिकॉर्ड कर रही हूँ। गाइस पहली बार जो है ना मैंने जो है लोकल बस का सफ़र इन्जॉय किया होगा। लिटरली आप देख सकते हैं मेरा कैमरा किस तरीके से हिल रहा है, इतना ज़्यादा स्पीड से जो है ये भाई जो है गाड़ी चला रहे थे। और हमने लेट हो गए थे थोड़ा सा, तो वहाँ पर इतने हमें ऑटो वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो हमने फिर लोकल बस में जो है बैठना पड़ा। और बट मैंने लिटरली कभी इमेजिन नहीं किया था मैं कभी लोकल बस में भी इतना इन्जॉय जो है वो कर सकूँगी। आप लोग भी इन्जॉय कीजिए मेरे साथ। पता नहीं कैमरे में इतना ज़्यादा क्यों नहीं दिख रहा है, वो दिख भी रहा है रोड, आप देख सकते हो कितनी स्पीड से ये गाड़ी चला रहे थे ना। और जो है इतना ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया था, सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ मैंने क्या जो है वो इतनी ज़्यादा ड्राइव जो है इनकी इन्जॉय की, टाइम भी जो है आई मीन सफ़र भी जो है बहुत ज़्यादा पूरे मनार का था। आप भी मेरे साथ साथ इन्जॉय कीजिए, मुझे क्या अच्छी चीज़ मुझे लगी, हालांकि थोड़ा डर भी लग रहा था, बट आई विल इन्जॉय। बहुत अच्छी भाई ने गाड़ी चलाई थी, मुझे बड़ा मज़ा आया। पहली बार है नहीं आप लग्जोरियस कार में बैठ कर इन्जॉय करोगे, कभी कभी आप किसी भी चीज़ में आप इन्जॉय कर सकते हो। हमें ऑटो नहीं मिला, कोई बात नहीं, बट हमने लोकल बस जो है बहुत ज़्यादा इन्जॉय की। और आप लोग देख सकते हैं कितनी फास्ट ही ड्राइविंग कर रहे हैं। और उसके बाद जनाब हम घर आ गए, और मैंने बहुत ज़्यादा आज का सफ़र इन्जॉय करा। यहाँ पर मेरी सिस्टर जो है बैगन का भरता बना रही थी, तो जब तक भरता बन रहा है हम जब तक जो है वो अपना एपिटाइज़र जो है मैक्रोनी वो हम खा लेते हैं अपनी भूख को कम करने के लिए थोड़ा। और ये मेरी वन ऑफ फेवरेट है, और आपको दिख रही नहीं जितनी भी है मेरी सब में नियत लगी रहेगी, पता नहीं क्यों मेरा पेट इसके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। वैसे मैं इतना नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं जब भी ये होगी और जब तक ये पतीले में बाकी रहेगी ना, लिटरली आप यकीन करेगा इस मैं बार 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 इसको खाने जाती रहूँगी, मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। आई होप और भी लोगों को अच्छी लगती होंगी, मुझे लगता है ये ज़्यादातर लोगों की फेवरेट होती हैं। और ये हमारी मैक्रोनी, हम इसे खाएंगे जब तक हमारा खाना रेडी हो रहा है, हम जब तक जो है मैक्रोनी इंजॉय कर रहे हैं। मैं खा के इंजॉय कर रही हूँ, आप लोग देख कर इंजॉय कीजिए। और आप लोग बताइए आप लोग सब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जनाब और इस दिन जो है जागने की रात थी, शब मेराज, और यहाँ मैं और मेरी सिस्टर जो है मिलकर हम लोग टिक्किया बना रहे थे। आई थिंक पता नहीं और लोग इसे क्या बोलते हैं। अब मैं इसके बाद कुछ भी शूट नहीं करूँगी, क्योंकि जागने की रात है, ऑब्वियसली इबादत करनी होती है। मैं आपसे मिलूँगी आप नेक्स्ट डे, और कि हमारी टिक्किया भी रेडी हो गई है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, और आज था मेरा रोज़ा भी साथ साथ, तो मैं थोड़ा लेट उठी थी, नाश्ता नहीं करना था।
मैं यहाँ पर कर रही थी जी एडिटिंग अपनी व्लॉग की, और कुछ जो और भी एडिटिंग होती है कुछ चीज़ें, हर कुछ जो है ऑब्वियसली मोबाइल से नहीं पता चलता। मैं यहाँ पर देर से उठी थी और मेरा रोज़ा भी था, मैंने कहा एडिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ेंगे। और नमाज़ पढ़ने के बाद जनाब जी मैं यहाँ पर बना रही थी लंच, और लंच तो खैर मैं नहीं करूँगी, जस्ट बना रही थी क्योंकि रोज़ा ऑब्वियसली सबका नहीं था, मेरा और मेरी सिस्टर्स का था, तो और भी और सारे लोग जो हैं वो तो बस खाना खाएंगे ही। तो मैं यहाँ पर बना रही थी कढ़ाई गोश्त, और पहली बार मैंने ट्राई किया अपनी अम्मी से पूछ पूछ कर, और बहुत अच्छा बनता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएगा, बहुत बहुत यमी होता है ये गाइस। और इसकी ग्रेवी इतनी ज़्यादा नहीं होती बट इसमें टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए, इसकी फ़ाइनल लुक है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसे कढ़ाई में बनता है ये, और बहुत ज़्यादा यमी और टेस्टी बनता है। मैं खैर इसे रात में खाऊंगी जब मैं डिनर करूंगी अभी, और फिर जनाब उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। और फिर से किचन में मैं क्या करने आई हूँ आप देख सकते हैं, मैं छोले बनाने आई थी और बॉयल्ड रखे हुए थे, मैंने सोचा बना लेते हैं, रोज़ा भी है और कुछ दस्तरखान पे रौनक भी हो जाती है जब आपके पास ऐसे चटपटी सी चीज़ें होती हैं, और ख़ुद ही आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है जो है ना, जब आपका रोज़ा होता है आप खुद ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है, हम ये खाएंगे हम वो खाएंगे। और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए, मैं पहले अपने वीडियो में जो है इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ गाइस, प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं। इसलिए मैं अभी आपको इसकी रेसिपी नहीं बता रही हूँ मैं पहले। और ये देखो, ये एक तो स्मोक जो है मुझे बड़ा परेशान करता है वीडियो बनाते हुए, कैमरे के लेंस पर आ जाता है और इस चक्कर में जो है फिर वीडियो जो है वो ब्लर हो जाती है। फिर इससे देखिए आप, चले जा भाई। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मैं एंड स्क्रीन पर अपनी पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें है इसकी रेसिपी। और जैसे ही हमारे छोले रेडी हो जाएंगे, रोज़ा बस खुलने ही वाला था, ये इसकी फाइनल लुक है। और फिर हम रोज़ा इफ्तार करेंगे। सर में दर्द था मेरे, उसके बाद मैंने कुछ भी जो है शूट नहीं किया। यही था जी मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। मैं आपसे मिलूँगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।